पिछले वाले ये वीडियो में मैंने आपको बताया था कि BNMU ग्रेजुएशन पार्ट टू में एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह फिलअप कर पाएंगे, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताया, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो किस तरह अपना BA पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसी वीडियोज में आपका कॉमेंट था कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा और जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी रोल नंबर कहाँ से मिलेगा। क्लास रोल नंबर आपके पास है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा और यूनिवर्सिटी रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। BA पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो मांगा जा रहा है वो उसमें कौन सा रोल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा डालना है और क्लास रोल नंबर क्या डालना है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इस पोर्टल पे आ जाना, studentportal.bnmuu.u। सिंपली से आपको आना है studentportal.bnmuumis.in की वेबसाइट पे, जहां से आप BA पार्ट टू के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी तरह विस्तार से आपको बताने की कोशिश किया था। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी स्टूडेंट की सारी डिटेल डाल के यानी कि आईडी पासवर्ड इंटर करके यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। जैसे कि हम एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कर तो कुछ इस तरह यहाँ पे आता है, फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पार्ट वन का एग्जामिनेशन डिटेल आ जाएगा, मतलब जो मैंने पीछे फिलअप किया था। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको ये वीडियोज देखना होगा, ठीक है। लेकिन आज जब आप अगर आपने पहले से BA पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपको अपडेट करना, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो हम आगे बताने वाले वो आपको डालना होगा। अगर आपने फिलअप कर दिया तो फिर से आपको इसी तरीके आना होगा, यहाँ पे आपका मार्क डिटेल फिलअप रहेगा। अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं यानी अपडेट करने की कोशिश करें, अगर आप फर्स्ट बार एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो BA पार्ट वन का जो मार्कशीट है उस पर जो मार्क डिटेल है वो मार्क डिटेल आपको यहाँ पे देना, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लास रोल नंबर मांग रहा है, क्लास रोल नंबर आपको देना होगा, BA पार्ट टू में जो आपका रोल नंबर था वो देना होगा। यानी कि जब आप रसीद कटाएंगे पार्ट टू में तो आपके रसीद का आपको रोल नंबर दिया गया होगा, तो वो रोल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। यानी कि BA पार्ट टू का जो रोल नंबर वो रोल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, जो आपको रसीद मिला होगा कॉलेज से पार्ट टू वाला तो उसमें आपका रोल नंबर भी दिया गया होगा। साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा ये हम जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर में कहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, कैसे मिलता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा BA पार्ट वन का जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस ईयर दिया रहता है, तो उसमें सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, ईयर आपको फिलअप नहीं करना है। यानी कि एडमिट कार्ड पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो रसीद मिला था रसीद पे जो रोल नंबर था वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। चलिए आप बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर की। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो BA पार्ट वन वाला उस पर जो रोल नंबर वो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो जाएगा। यानी कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर में BA पार्ट वन का जो एडमिट कार्ड वो एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर है उस एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर वो रोल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। समझ गए, पहले में क्लास रोल नंबर पार्ट टू का देना है, दूसरे में रजिस्ट्रेशन नंबर देना है जो कि एडमिट कार्ड पे मिलेगा, तीसरे में यूनिवर्सिटी रोल नंबर देना जो कि पार्ट वन के एडमिट कार्ड पे मिलेगा। ये सारी डिटेल आपको फिलअप करके आपको नेक्स्ट करना है। अगर आप कर चुके हैं तो दोबारा आप कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको अपडेट करना होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्लास रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है बिना ईयर का, क्योंकि एडमिट कार्ड पे ईयर भी रहता है तो ईयर नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट करेंगे, अगर सेकंड टाइम कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। चलिए अपडेट सक्सेसफुली हो चुका, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह यानी कि हमारा फॉर्म जो वो अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जाम फॉर्म डाउनलोड है इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आपने पहले इसको डाउनलोड करके अपने कॉलेज में जमा कर दिया है तो आपको फिर से जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो डिटेल अभी अपडेट की है वो अभी ये स्लिप पे नहीं दिया गया, तो आपको ये फिर से कॉलेज में जमा नहीं करना है। अभी जो मैंने यूनिवर्सिटी रोल नंबर अपडेट किया वो सिर्फ सिस्टम पे अपडेट हो गया, जो कि यहाँ से डाउनलोड करेंगे आप पीडीएफ, उस पीडीएफ में वो डिटेल नहीं रहती यूनिवर्सिटी रोल नंबर की। अगर आपने कॉलेज में जमा कर दिया तो आपको फिर से जमा करने की जरूरत नहीं है।
तो आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर में, क्लास रोल नंबर में, रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या डालेंगे, ये डिटेल आप पूरी तरह समझ गए होंगे। उम्मीद करें कि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द बताने वाला हूँ एक्स स्टूडेंट के लिए या प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए किस तरह एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा BA Part 2 का BNMU यूनिवर्सिटी मधेपुरा से।